नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। लखीमपुर की वारदात के खिलाफ किसान आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन शुरू हुए 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन रेल रोको आंदोलन का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। कई जगहों पर हालांकि किसान रेलवे ट्रैक्स पर जरूर उतर आए हैं। अमृतसर ही देख लीजिए, यहाँ किसान रेल ट्रैक पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो हरियाणा के बहादुरगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी रेलवे ट्रैक की हैं। किसान रेलवे ट्रैक पर यहाँ धरना दे रहे हैं। किसान सोनीपत में भी रेलों को रोकने के लिए उतर गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर रेलवे की सर्विस जारी है। तो ये तस्वीरें आप अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। देखिए कैसे रेलवे ट्रैक्स पर किसान आ गए हैं। चाहे बात बहादुरगढ़ की जाए, अमृतसर की जाए, यहाँ पर नारेबाजी भी किसानों द्वारा की जा रही है। सोनीपत में भी रेलवे ट्रैक्स पर डेरा जमाए किसान बैठे हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मोदी नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ ट्रेन के ऊपर किसान चढ़ गए और प्रदर्शन करते नजर आए। कई जगह ट्रेन भी रोकी गई है, जिनमें से दिल्ली का नरेला है, और वहीं पंजाब के डेराबसी की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनकी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दें, इसके अलावा 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं और MSP पर कानून बनाया जाए। हालांकि कई जगहों पर ट्रेनों को रोकने से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। डेराबसी में दप्पर स्टेशन पर किसानों ने ट्रेन रोक दी, जिससे कई यात्री पैदल जाने को मजबूर हो गए, तो कुछ लोग स्टेशन पर ही इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से पंजाब के डेराबसी में किसान जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, हाथों में झंडे लिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और यहीं पर लोगों को, आमजन को परेशानी हुई है, क्योंकि ट्रेन को आगे नहीं जाने दिया गया। और यहां से मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा की खास रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के दप्पर रेलवे स्टेशन पर, और जो ये ट्रेन आप देख रहे हैं ये है लखनऊ चंडीगढ़ प्रयागराज संगम ऊंचाहर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है ये, और ये लखनऊ से आ रही है, और इसको दप्पर रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहीं पर इसको रोक दिया गया है। और तमाम इसके जो यात्री हैं उनको काफ़ी इस समय मुसीबतों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए मैम? लखनऊ से आए हैं। तो कितने बजे से यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है? आधा एक घंटा हो गया। मोस्टली यात्री तो यहाँ से निकल चुके हैं। हाँ, निकल चुके हैं। यहाँ से आई थिंक बाय बस गए होंगे या उनके कोई लेने आए होंगे रिलेटिव्स। अभी चंडीगढ़ तो दूर है। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो कितनी दिक्कत, कितना यहाँ पे छोटे बच्चे के साथ? दिक्कत तो है ही है, बट चलो ये कि हमें भी लेने आ ही रहे हैं तो निकल जाएंगे। दिक्कत तो है ही है जिनको कोई लेने आ नहीं रहे हैं तो। दिक्कत यहाँ पर यात्रियों को काफी हो रही है। आप कहाँ से हैं जी? मैं जी, हम भी लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं, तो कितनी परेशानी है इसको? बस देख रहे हैं आप क्या परेशानी है। तो आप अकेले हैं या परिवार? नहीं, मेरी बेटी है साथ में। कितने कहाँ चंडीगढ़ के लिए आए थे आप? हाँ जी। तो कितनी परेशानी है यहाँ पे, क्योंकि आपको रास्ते रोक लिया गया? बहुत परेशानी हो रही है। मैं सोलन से लेने आया हूँ। अच्छा, सोलन से आप हिमाचल से लेने? हाँ जी, ठीक है ना जी। ठीक है, कोई मतलब कंसीडर जो आप एजिटेशन, इट इज वेरी गुड कॉज, बट पब्लिक सफर नहीं होना चाहिए। देखिए कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? जी, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर ये अब ट्रेन रोक दी गई है, कितनी मुश्किल? अभी तो बहुत है, हम लोग आए हुए फंक्शन में, तो जाना है, पहुँचना था, लेकिन अब बच्चे भी हैं, मम्मी को भी थोड़ी चलने में प्रॉब्लम है, अब वही दिक्कत है बहुत ज़्यादा। कहाँ जाना है अपने? चंडीगढ़। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब वही है, अभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया है, अभी उन्होंने कैब वगैरह भेजी, अभी आ रही है, देखिए क्या होता है। इस समय आंदोलन चल रहा है और लेकिन ट्रेन को रोक दिया गया यहाँ पे। जी बस ये है, बच्चे भी हैं साथ में, कुछ है भाई, इतनी देर से बैठे हुए बच्चे बोर हो रहे हैं पहुँचने के लिए, सार काटने के लिए। अभी ऐसा है कि अभी पहुँच जाएंगे, रात का था, डिनर वगैरह करके लेट है, बच्चा भी परेशान हो रहा है बैठे हुए। तो डेराबसी में कुछ और यात्रियों ने किसानों के आंदोलन से हो रही दिक्कतों के बारे में बताया। कहाँ जाना था? चंडीगढ़ जाना था। तो आज अभी कहाँ उठा दिया आपको ट्रेन? ये डापर में उठा दिया, 22 किलोमीटर। अब हम लोग यहाँ से अकेले हैं, कैसे जाए अब यहाँ से? बताया आपको क्यों ट्रेन किया? फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से। तो अभी आप कैसे जा रहे हो? अभी देखते हैं बाहर निकल के यहाँ से क्या मिलेगा। विनीता, आप भी मुलाकात कर रहे हैं? नहीं, हम पंचकुला जा रहे हैं, हमारा SI का फिजिकल का टेस्ट है उसके लिए। तो आज टेस्ट आ गया आपने? नहीं सर, हमारा पुलिस का वो है टेस्ट। ये आज ही टेस्ट है? हाँ जी आज ही है। कितने बजे आप लेट नहीं हो जाएंगे? कौन ट्रेन रस्ते पर रुकी? इनका है आज, मेरा कल है, लेट हो जाएंगे, पर देखेंगे वहाँ जाके, कोशिश करेंगे अगर वो मान जाते हैं तो। बताया गया कि ट्रेन क्यों रोकी गई है? हाँ, कि किसान आंदोलन है इस वजह से। अभी फिजिकल एग्जाम देने? हाँ सर।
कॉन्स्टेबल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेरा। आज ही एग्जाम है? आज ही है। तो कब तक आपको पहुंचा था आप? 11 बजे तक एंट्री है। तो बताया गया कि किस वजह से प्रोटेस्ट है और क्यों ट्रेन रुकी? कह रहे कि किसान आंदोलन है। परेशान हो रहे यात्रियों की बात आपने सुनी, वहीं हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने आंदोलन कर रहे किसानों से भी बात की है, उनकी रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर की घटना और मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की देने की मांग पर अड़े किसान संगठनों द्वारा आज पूरे भारत में रेल रोको आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस आंदोलन को जो है वो आह्वान किया गया है। और इस वक्त हम खड़े हैं अंबाला चंडीगढ़ जो रेल मार्ग है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें कि यहाँ पर भी किसान संगठन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कितने बजे तक रहेगा ये पूरा धरना? ये 10 से 4 बजे तक का शाम। 10 से 4 बजे। तो क्या वजह क्यों दिया जा रहा है ये धरना? हमारे जो किसान लखीमपुर खीरी में 4 किसान शहीद करे हैं भाजपा के गुंडों ने और एक पत्रकार भाई, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जो मंत्री का बेटा था, मंत्री का नाम भी 120 में शामिल है, वो मंत्री बना हुआ है अभी तक, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, उसने इस्तीफा नहीं दिया, उसके ऊपर जड़ी वो कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रही उसके लड़के की। और हमारे जो 3 काले कानून हैं जो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बनाए हैं उनको रद्द नहीं कर रही। इन दोनों वजह से हमारा ये जो धरना आज लड़ीवार तहत जो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो रेल लाइन है ये अंबाला चंडीगढ़ जो रेल लाइन है ये वहाँ पर किसान संगठनों के द्वारा धरना जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। तो वहीं उतरेटिया में जब पुलिस वालों ने किसानों को रोका तो बहस पर वो उतारू हो गए, कानून की धारा बताने लगे। इस बीच किसानों के एक नेता ने कहा कि वो लोग किसी से कोई परमिशन नहीं लेते हैं। कार्यक्रम होता है योगी जी का कार्यक्रम, उसके लिए 144 में हमारी धारा 288 है, आपको मालूम डीसीपी साहब नहीं? देखिए ऐसा है कि 288 धारा आप जानते हैं, लिखित में परमिशन लेके आ जाइए। किसान मोर्चा के लोग रेल रोको अभियान के तहत लखनऊ के उतरेटिया जंक्शन पर पहुंच गए हैं और पीछे आप पुलिस की जो मौजूदगी है उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान को रोकने के लिए, रेल रोकने के लिए निश्चित तौर पर पुलिस ने यहां पर जबरदस्त तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। बैरिकेड लगा करके पूरे स्टेशन को बैरिकेड किया गया है। किसान नेता के लोग हैं, किसान यूनियन के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि कैसे वो आगे करेंगे। पुलिस तो है यहाँ पे लगी हुई है, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? चाहे जितना फोर्स लग जाए, चाहे जितना पुलिस लग जाए, हम लोग शांतिपूर्वक रेल पटरी पर बैठेंगे और चक्का जाम का आंदोलन करेंगे। जब तक ऊपर से हमारे पदाधिकारियों का आदेश नहीं आता तो हम लोग चक्का जाम। मांगे हैं आप लोगों की जिसके बल पे आप लोग आज कर रहे हैं? काले कानून रद्द हो, MSP पर गारंटी हो और लखीमपुर हत्याकांड पे जो है मंत्री जी का इस्तीफा हो। निश्चित तौर पर सरकार को निश्चित तौर पर यहाँ पर मांगे रखी गई हैं, उसी को देखते हुए किसान मोर्चे ने आज यहाँ पर संघर्ष का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, फोर्स की मौजूदगी है यहाँ पर, किसान अंदर जा पाएंगे इसको लेकर के बड़ा संशय है। क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी यहाँ पर ट्रेन रोकने की गलत तरीके से कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और रासुका तक लगाने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। कैमरा मैन मनोज साहब, विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।